पूर्वोत्तर में भारतीय रेल द्वारा मणिपुर से आना जाना आसान हो गया है क्योंकि राज्य ने भारत के रेल मानचित्र पर अपनी शुरुआत कर दी है। हाल ही में असम के सिलचर से मणिपुर के तामेंगलोंग जिले से वांगई चुंगपाओ तक एक यात्री ट्रेन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बीते दिनों पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और असम के बीच रेल सेवा बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और रेल यात्रियों को यात्रा में आसानी प्रदान करेगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर कहा कि ये राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि सिलचर और वांगई चुंगपाओ तक एक यात्री ट्रेन का पहला ट्रायल रन किया गया है। पिछले साल पीयूष गोयल ने संसद में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था कि 110.62 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल लाइन परियोजना को 2003-04 के बजट में शामिल किया गया। परियोजना की अनुमानित लागत 12,264 करोड़ रुपए है। मार्च 2020 तक 10,089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 800 करोड़ रुपए का लागत प्रदान किया गया है। मार्च 2017 में जिरीबाम से वांगई चुंगपाओ तक की 12 किलोमीटर की लंबाई को पूरा करने के साथ साथ चालू किया गया था और उपलब्ध भूमि पर भी काम किया गया था। भारतीय रेलवे की जिरीबाम इम्फाल नई लाइन हिमालय के पहाड़ी इलाकों में एक चुनौतीपूर्ण परियोजना है। ये परियोजना 47 सुरंगों, 156 पुलों, जिसमें सबसे 141 मीटर ऊंचे पुल शामिल है। कोविड-19 महामारी ने साइट पर काम की प्रगति पर प्रभाव डाला था। नवंबर 2019 में पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक प्रश्न में लिखित उत्तर में कहा था कि सरकार की योजना सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।